में होता है और कितना ज्यादा उनको स्ट्रेस फ्री होने में होता है। मैम बहुत ज्यादा फायदा होता है बच्चों को, क्योंकि इससे रिलैक्स रहते हैं, लड़ाई नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। बच्चों ने अभी सर के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि मैं घर में पेरेंट्स को भी माइंडफुलनेस कराती हूँ, पेरेंट्स को बहुत रिलैक्स फील होता है। जैसे मीनाक्षी ने बताया कि मैं घर में मम्मी को, पापा को, घर में बड़ों को भी कराती हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रेस फ्री बच्चे होते हैं और अपने साथ वो अपने पेरेंट्स को भी स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं। हम बच्चों से ही बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 25 तारीख को कौन आने वाला है? Yes. कौन आने वाला है? अमेरिका के प्रधानमंत्री, उनकी वाइफ आने वाली है। उनकी वाइफ आने वाली है, पता है आपको? Yes. तो खुशी हो रही है? हाँ। आपको क्या कैसा लग रहा है? कि कल अभी यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे और उनकी वाइफ 25 फरवरी को आएंगी सरकारी स्कूल में। तो कैसा लग रहा है आप लोगों से मिलने आ रही है वो? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा स्कूल इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया है कि वहाँ के प्रधानमंत्री भी यहाँ देखने आ रहे हैं। अच्छा, जब वो आएंगी तो आप लोग कैसे वेलकम करेंगे, क्या बोलेंगे? सबसे पहले क्या बोलेंगे, सब लोग एक साथ करके दिखाइए कैसे करेंगे वेलकम। अच्छा, गुड मॉर्निंग करेंगे और वेलकम में क्या कहेंगे, कि वेलकम टू इंडिया या वेलकम टू दिल्ली? वेलकम टू दिल्ली। आधे लोग कह रहे दिल्ली, आधे लोग इंडिया, क्या बात है। वेलकम टू दिल्ली। तो एक साथ फिर करके दिखाएंगे दोबारा से कैसे करेंगे? वेलकम टू दिल्ली कैसे करेंगे, कैसे करके दिखाएंगे, थोड़ा सा बताइए। अच्छा लगता था कि हम अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, स्कूल अच्छे बन गए, रिजल्ट्स अच्छे आने लगे, लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग भी इतनी टेंशन फैलाते रहेंगे, पढ़े लिखे लोग भी व्हाट्सएप पढ़ के अपने धर्म और जातियों पर झगड़े करते रहेंगे, तो फिर पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या हुआ? पढ़े लिखे लोग समझदारी से जिए, पढ़े लिखे लोग इंडिया गेट पर जाके आइसक्रीम खाएं तो थोड़ा उसका छिलका वहीं ना फेंक के आएँ, तो वो सब हैप्पीनेस से आएगा। चलिए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले, लेकिन उनके आने से पहले ही एक एक कर उनके सुरक्षा से जुड़ी चीजें भारत पहुंचने लगी।